दोस्तों अपनी क्लास के अंदर एट प्रेजेंट में एक वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है उसके बारे में रेस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। वो जो वायरल इन्फेक्शन है जिसके लिए एट प्रेजेंट में हर व्यक्ति में हड़बड़ाहट मची हुई है उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करता हूं कि वो वायरल इन्फेक्शन क्या है, वो क्या रीजंस है और क्यों किसी की मृत्यु का कारण बनता है, कैसे फेल कर देता है किसी व्यक्ति की लाइफ को, कैसे खराब कर देता है, अपन उससे कैसे बच सकते हैं। तो वो एक करंट के अंदर का चल रहा है, वो एक निपा है। यदि अपन दोस्तों देखो निपा के बारे में डिस्कस करना चाहें कि निपा क्या चीज है, निपा के बारे में अपन बात करें तो दोस्तों निपा का सबसे पहले तो अपन बात करें ये है क्या, ये एक प्रकार का क्या होता है, विषाणु जनित संक्रमण, विषाणु जनित संक्रमण। दूसरा देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये जो निपा का वायरस है, इस निपा के वायरस का जो हैबिटेट का है आवास, मतलब निपा का वायरस किससे फैलता है दोस्तों, जो बैट होता है चमगादड़ होता है वो 60 वायरस का घर है, 60 वायरस को अपने साथ लेके फैलता है। और सूर भी देखो अनेकों वायरल डिजीज का क्या होता है, घर होता है। मतलब निपा का वायरस का जो संक्रमण फैलता है वो किससे फैलता है, एक तो चमगादड़ से, बैट से, चमगादड़ से, और दूसरा इसके अंदर जो फैलाता है वो कौन फैलाता है, सूर फैलाती है इसको, पिग या सूर से फैलता है, ये इस वायरस के हैबिटेट है। अब देखो कोई भी इस प्रकार का मेटेरियल जो मनुष्य यूज करता है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो मनुष्य यूज करता है उसके कॉन्टेक्ट के अंतर्गत कोई भी चमगादड़ या सूअर का कोई पार्ट आ गया, जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ का कोई मान लो जैसे मान लो फंख वो पानी में गिर गया, या चमगादड़ का बींट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो पानी के अंदर गिर गया, या चमगादड़ की जो सेलाइवा है, लार है, पोलिनेशन के कारण किसी फल फ्रूट के संपर्क में आ गई, वो फल फ्रूट, वो पानी, वो इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, तो उस व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद वायरस क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। एट प्रेजेंट में देखो चमगादड़ है मोस्ट कॉमन किसको संक्रमित करता है, फलों को संक्रमित करता है, फलों को संक्रमित करता है। और फलों के अंतर्गत स्पेशली तीन फल है जो संक्रमित हो रहे हैं ज्यादा, इसके अंतर्गत कौन सा हो रहा है, एक तो जो फल जो संक्रमित हो रहा है वो हो रहा है इसके अंतर्गत आम, और एक इसके अंतर्गत क्या है, खजूर है, और एक केला है। इन तीनों के अंतर्गत जो संक्रमण के क्या होते हैं ज्यादा चांस है, ये चमगादड़ इन तीनों के क्या होते हैं ज्यादा संपर्क में आता है, इनमें सबसे मेन कौन सा होता है, खजूर। अब देखो यदि चमगादड़ इन तीनों में से संक्रमित कर दिया किसी को और ये फल फ्रूट किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया तो उस व्यक्ति के शरीर में क्या चला जाएगा, वायरस चला जाएगा। और वायरस एक्टिव होने के बाद में दो तंत्रों को फेल करता है, एक तो श्वसन तंत्र को फेल करता है, श्वसन तंत्र और एक तंत्रिका तंत्र, दो तंत्रों के अंतर्गत क्या होता है, संक्रमण होता है। श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र में संक्रमण होता है और श्वसन तंत्र का रिजल्ट ये क्या हो रहा है, न्यूमोनिया हो जाता है, और तंत्रिका तंत्र का ये ब्रेन फीवर हो जाता है, मस्तिष्क जबर हो जाता है, ब्रेन फीवर मस्तिष्क जोर मेनिंजाइटिस हो जाता है। और मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क जोर में मेनिंजाइटिस हो जाता है। और मेनिंजाइटिस का मतलब ब्रेन को क्या मिली, ओटू सप्लाई बंद हो जाती है, ओटू सप्लाई बंद होने से तुरंत क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि निपा क्या चीज है, निपा एक विषाणु जनित संक्रमण। क्वेश्चन आता है कि निपा का हैबिटेट का है, कौन फैलाता है निपा का वायरस को, मेनली तो चमगादड़ फैलाता है और दूसरा कौन सा होता है, सूअर फैलाता है। निपा एट प्रेजेंट के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर फैल रहा है, भारत में केरल इसका हॉटस्पॉट है, इससे पहले भी फैल चुका है दोस्तों, ये मलेशिया में फैल चुका है, बांग्लादेश के अंतर्गत फैल चुका है, अनेकों कंट्रीज के अंतर्गत पहले से भी फैल चुका है, मलेशिया बांग्लादेश के अंतर्गत फैल चुका है।
अब ये चमगादड़ है किसको संक्रमित करता है? कोई भी खाद्य पदार्थ को जो मनुष्य यूज करता है, जो चमगादड़ के कॉन्टेक्ट में आ गया, उसका पंख आ गया, उसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आ गया, पानी कॉन्टेक्ट में आ गया, कैसे भी मनुष्य के अंदर पहुंच सकता है। मोस्ट कॉमन किससे फैलता है? फलों को संक्रमित करता है। और मेनली कौन कौन से फलों को संक्रमित करता है? आम है, खजूर है और केला। इसलिए कोई भी व्यक्ति को आम खजूर और केला है, इनको यूज करने से पहले अच्छी तरीके से पोटास में होना चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है। पोटास वायरस को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और वर्तमान में हॉट स्पॉट भारत में कहा है? केरल के अंदर है, पहले मलेशिया और बांग्लादेश के अंदर फैल चुका है। निपाह में कौन से तंत्र में फैल होता है? श्वसन तंत्र फैल हो जाता है, हमें श्वास की तकलीफ हो जाती है, एक प्रकार का न्यूमोनिया हो जाता है। और साथ में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में संक्रमण होता है, ब्रेन फैल हो जाता है, मस्तिष्क जोर हो जाता है, मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, तुरंत कर जाती है, डेथ हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों, जो ये निपाह का वायरस है, इसका एट प्रेजेंट में अपने पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, अपने पास इसके अंतर्गत कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ अपने पास सोल्यूशन है जो भी चमगादड़ और सूअर से इन्फेक्शन से बचा जाए। या ये फल फ्रूट है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले पोटास से धोकर के यूज करें। फलों को घर में लाने के बाद अच्छी तरीके से धोना चाहिए एंटीसेप्टिक से, क्योंकि ये फल हो सकता है कि मोस्ट कॉमन चमगादड़ है, उसको क्या कर सकता है? इन्फेक्टेड कर सकता है। और वर्तमान हॉटस्पॉट कहाँ है? केरल है। कौन से सिस्टम को फेल करता है और क्या हो जाता है? तुरंत क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।